गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सारे भाई? होप करता हूँ कि सारे भाई अच्छे होंगे। और सबसे पहले भाई गुड मॉर्निंग सभी को। तो भाई अभी मैं चल रहा हूँ खेत में और भाई यहाँ होने जा रही है अपनी रोटावेटर से जुताई। और मॉर्निंग का टाइम है भाई, एटलीस्ट ये 10 या 11 बज रहे हैं। और इधर देखो भाई, इधर यहाँ पे मतलब सब्जियाँ बैठाई गई हैं। इसके उधर वाले खेत में अपना ट्रैक्टर चल रहा है, तो हम चलते हैं भाई, देखते हैं आज का क्या काम होने वाला है। वैसे तो भाई मैं आपको डेली तो अपना काम दिखाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा भाई सपोर्ट दिखाओ और मैं डेली वर्क दिखाऊंगा कुबोटा के साथ, MU 4501 के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारे वर्क दिखाऊंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तुरंत जाके कर लो। बाकी ये मेरे रहे सागौन के बाग इधर सारे, और इधर दिखाता हूँ ट्रैक्टर। तो भाई इधर देखो, इधर चल रहा है ट्रैक्टर। और इसमें मैंने कल ही भाई आपको बताया था कि यहाँ पे मतलब इस खेत में गाय का चारा बैठाया जाएगा, मतलब उसकी बुआई होगी। तो इधर चल रहा अपना 2.25 मीटर का रोटावेटर। और फाइनली भाई इस खेत को कंप्लीट करके ही आज यही इतना काम ही है टोटल, आज यहीं पे ही जुताई होगी। यहाँ पे जाली लोहे की, यहाँ पे थोड़ा फंसने का प्रॉब्लम रहता है इस खेत में, बाकी और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और इधर भाई अपना ढेर सारी सब्जियां, जैसे कि आलू और मतलब जितने भी तरह की सब्जियां होती हैं जो कि विंटर में लगाई जाती हैं, वो सारे मतलब यहाँ पे उनके बीज लगा दिए गए हैं। और अभी देखना भाई यहाँ से घुमाते टाइम तक, एक चीज सही है कि भाई कुबोटा बहुत कम जगह में घूम जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे। बाकी और कोई ट्रैक्टर रहता तो ब्रेक मार के घुमाना पड़ता है। हाँ भाई, एक भाई ने कमेंट किया था कि कोई भाई 2700 या 2800 घंटे ट्रैक्टर चलाए थे तो उनके ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आ गई है। तो भाई देखो, जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। और अगर भाई आप जैसे कुछ भाई क्या करते हैं कि पानी में ट्रैक्टर ले जाते हैं, और पानी में ले जाते हैं तो भाई उसके इंजन में इसका क्या कहते हैं पानी चला जाता तो ट्रैक्टर जरूर सीज हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ ऐसी चीज़ें मत करो कि मतलब इंजन पे नुकसान जाए कोई। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर में, ऐसा नहीं है कि भाई कुबोटा ही से ख़राब होता है। अगर कुबोटा ख़राब हो रहा, सारे ट्रैक्टर ख़राब होते हैं भाई, तो कहीं कोई ना कोई केस ऐसा आ जाता है। और बाकी मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि मतलब इतनी महंगी मशीन लो और वो ख़राब हो जाए तो भाई वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। पर भाई जो चीज़ आप ध्यान दो, अब मैं तो जानता नहीं कि वो कैसे ख़राब हुआ 2700 घंटे चल के। बाकी 5 ईयर की वारंटी रहती है, 5000 घंटे की भी वारंटी रहती है, तो आप कंपनी से बात करो, हो सकता है वो आपको वो क्लेम दिला दें। अगर कोई उनके अंडर वारंटी में फॉल्ट होगा तो ये चीज़ करके देख लो, हो सकता है वो क्लेम मिल जाए और आपका ट्रैक्टर बन जाए भाई। बाकी हम आज का यहाँ का काम देखते हैं। ये भाई पूरी फील्ड तैयार हो गई, भाई ये
दूसरा राउंड जुताई हो रहा है और भाई इस खेत में पडलिंग भी होगा, क्योंकि जो भी चरी वगैरह यहाँ पे बुआई होगा जिसका, उसमें भाई पडलिंग होके ही वो बुआई होती है। सो अभी देखते हैं, अभी तो भाई यहाँ की जुताई कंप्लीट हो गई है, फिर उसके बाद इसमें पानी सिंचाई होगी इस खेत की और पूरे खेत में पानी भरा जाएगा। तो भाई यहाँ पे उसके बाद ट्रैक्टर चले शायद, फिर ये ट्रैक्टर भाई अब निकल रहा है यहाँ से। अब देखो भाई ड्राइवर साहब घर जा रहे हैं और आज का भाई काम खत्म। तो भाई करते हैं हम इनको फॉलो। चलते हैं भाई ट्रैक्टर पे बैठ कर। ट्रैक्टर आ गया घर पे और भाई ये छत के नीचे चला गया, तो अभी हो सके शाम को जिस फील्ड से हम आए हैं उसकी जुताई हो। तो भाई अगर होगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। बाकी होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई जो भाई ये सोच रहे हो कि भाई ये मैं कुबोटा ट्रैक्टर को लेके वीडियोस बनाता हूँ, और भाई कुछ भाई होते हैं कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई सारे कंपनी के ट्रैक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम आती है तो भाई उसका सोल्यूशन खोजो ना। क्या ज़रूरत है कि उसको लेके परेशान होना। आप शोरूम पे विज़िट करो, आपको वारंटी मिलती है 5 ईयर 5000 घंटे की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भाई थोड़ा हैंडल करो, बाकी मेरे जो हाथ में रहेगा वो मैं करूँगा। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कि सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं भाई एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।